बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुकार अहमद बलाटकर बिगेन सभी खदमे नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है। यूट्यूब की तरफ से ऐलान आया था कि वो एक महीने के अंदर अंदर वो इम्यूनिटाइजेशन को इनेबल कर देगा, लेकिन उसके बाद उसने उस पर अमल नहीं किया। फिर उसने कहा कि हम इस साल के आखिर में इम्यूनिटाइजेशन को इनेबल कर देंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना दिसंबर का महीना कल से स्टार्ट हो रहा है तो आपके साथ एक वीडियो बना के शेयर किया, जैसे आपको मैं दोबारा बताऊँ कि आप इम्यूनिटाइजेशन कब तक इनेबल हो जाएगी। इससे पहले यूट्यूब ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब हेल्प फॉरम में किया था, देखिए क्वेश्चन अबाउट द प्रोग्राम पार्टनर प्रोग्राम एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं कि यहाँ है। सो हम क्लिक करते हैं, अब मैं देख सकते हैं कि 18 अक्टूबर को उनकी तरफ से अपडेट आई थी। हाय एवरीवन, फॉर द शो यू स्टिल सी चैनल अंडर रिव्यू इन क्रिएटर स्टूडियो। अगर आप अपने चैनल को अंडर रिव्यू में देखते हैं क्रिएटर स्टूडियो में, और आप जो कुछ एंड यू हैव अ क्वेश्चन अबाउट योर पार्टनर प्रोग्राम रिव्यू एंड, ठीक है, तो अगर आई एम अ फर्स्ट टाइम अगर आप में से किसी ने पहली मरतबा यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम अप्लाई किया है तो आपके लिए क्या ऑप्शन है। कहते हैं कि आप अपने चैनल में अफ यू सी चैनल अंडर रिव्यू, आप ये देखते हैं कि चैनल अंडर रिव्यू में है आपका क्रिएटर स्टूडियो में जाने के बाद, ठीक है। यू है अप्लाई टू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू वी अंडर इंटेलिजेंस रिव्यू, अगर आप पहले ही रिव्यू में हैं, ठीक है, तो देखेंगे इनसे और एक महीने के अंदर आपको मोनेटाइजेशन अनेबल कर दिया जाएगा। आपको अगर आप ऐसे हिसाब लगाएं 18 अक्टूबर से तो 18 नवंबर को एक महीना पूरा हो जाता है, लेकिन अभी तक कुछ इनकी तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आई, ऑफिशियली कोई चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने कहा था वो जो सेकेंडरी रिव्यू में है जिनके चैनल उनके हम साल के आखिर में, ये देखेंगे लास्ट में है साल के आखिर में उनका चैनल अंडर रिव्यू में है, वो अगेन सेकेंड रिव्यू में देख के मोनेटाइजेशन हम इनेबल कर देंगे, लेकिन बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने उनको एक मैसेज किया था फीडबैक के, उसमें मैंने कहा था कि आज आपका एक महीना पूरा हो गया है लेकिन आपकी तरफ से कोई ऑप्शन नहीं आया, क्या हुई जो है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये देखिए मैंने उनको मैसेज किया था, दरअसल मैंने डाउनलोडिंग लगाई हुई है, इस वजह से नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। ये देखें टुडे 1 मंथ कम्प्लीटेड आफ्टर दिस मैसेज, 18 अक्टूबर 2018 में से एंड टू डे 18 नवंबर, एक महीना आपका पूरा हो गया आपने जो ये किया था। तो इनका आगे से ये जॉब आया मेरे को, हाय डियर, जिन लोगों ने यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए 1 जून से पहले एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था उनके तमाम चैनल हमने रिव्यू कर लिए हैं और उनको ई मेल भी भेज दी है, और जो उन्होंने 1 जून के बाद अप्लाई किया था, ठीक है, तो हम उनका एंड ऑफ द ईयर इस साल के आखिर तक उनको इम्यूनाइजेशन को इनेबल करनी होगी इनेबल कर देंगे या रिजेक्ट करना होगा, जो भी होगा वो ऑप्शन हम कर देंगे, ठीक है। तो अभी आखिरी महीने है तो मैं आपसे ये कहूँगा आप अपना काम को जारी रखें, अपने हार्ड वर्क को जारी रखें ताकि आप इम्यूनाइजेशन इनेबल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो बना कर डालें। उसके बाद मैं कोई छोटी सी और बात बता दूँ, अक्सर कहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं हमारे व्यूज़ नहीं आते, भाई ये कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि व्यूज़ इसलिए नहीं आते क्योंकि वो हमारी वीडियो को पसंद नहीं आती, साफ सुथरी बात है, क्योंकि या तो उन उस वीडियो में पहले से उनको उसके बारे में उनको उन्हें पता होता है या उनको दिलचस्पी नहीं होती। जैसे आप कोई देख लें प्रैंक टीवी कोई भी चैनल हो प्रैंक का, उसके व्यूज़ अगर 1,000 होंगे तो उनकी वीडियो में व्यूज़ जो आएंगे 10,000 आएंगे, क्योंकि लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं। ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कहीं शायद कोई इशू चैनल में इशू है, कोई इशू नहीं है, ठीक है दोस्तों। आपको ये बताना कि दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है, इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर अंदर तमाम चैनल जो यूट्यूब की पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक होंगे उनकी मोनेटाइजेशन इनेबल कर दी जाएगी, और जो नहीं होंगे उनको रीअप्लाई का एक मरतबा चांस दिया जाएगा, वो अपने चैनल में जो भी मसला है उसको ठीक करके रीअप्लाई कर सकेंगे 1 महीने, ठीक है। उम्मीद दोस्तों उम्मीद है छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक्स।